जम्मू कश्मीर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है। आतंकी ने नाका पार्टी पर गोलियां चलाई है। 24 घंटे में दूसरी बार आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की है। हमले में एक नागरिक जख्मी हो गया है, जिसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके को घेर कर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर दूसरी बार आतंकी हमला हुआ है, रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। श्रीनगर बारामूला के इस नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं सुरक्षा बल यहां पर अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। कुछ देर पहले यहां पर गन शॉट्स सुनने को मिले, उसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्नर में लिया है। आप इस तरफ देख सकते हैं जवान लगातार सतर्क है। कुछ ही दूरी पर यहां पर पोलिंग बूथ भी थी, इस पूरे इलाके में आज चुनाव भी थे DDC के। जवान लगातार सतर्क है और इस नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की हुई थी ताकि सुरक्षा को यहाँ पर इंश्योर किया जाए। कुछ देर पहले यहाँ पर जिस तरह गन शॉट्स देखने को मिले, उसके बाद तुरंत यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सतर्क हुए और इस पूरे इलाके में फिलहाल आप देख सकते हैं जवान तैनात हैं। गन शॉट्स कैसे हुए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं पुलिस के सूत्रों से, वो ये है कि कुछ व्यक्ति मारुति कार में थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उस दौरान गन शॉट्स हुए हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इंडियन आर्मी के जवान इस पूरे इलाके का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक हाईवे है ये, क्योंकि ये हाईवे बारामूला से होकर लाइन ऑफ कंट्रोल जोड़ता है, यहाँ से आर्मी की भी कॉन्वे होती है। ये पूरा जो रिहायशी इलाका है, गना इलाका है, और उसके चलते सुरक्षा बल यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरकार जो गन शॉट्स है वो अगर मिलिटेंट्स की तरफ से किए गए तो क्या वो इसी इलाके में कहीं अभी छुपे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्नर में लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये है कि अगर गन शॉट्स इस तरफ आए हैं तो जो हमलावर है वो इस तरफ भागे होंगे। तो फिलहाल कोशिश ये है कि अगर मिलिटेंट्स यहाँ पर मौजूद है तो उन्हें एनसेकल करके एलिमिनेट किया जाए या पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्ता के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर बारामूला हाईवे। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।